कांग्रेस के गढ़ में, जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी, जिसे गांधी परिवार के नाम से जाना जाता रहा है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं ये लगातार आप देख रहे हैं, लगातार हमने आपको दिखाया। और अब जो रोड शो है स्मृति ईरानी का वो लगभग खत्म हो चुका है, अब आपको सिर्फ जो गाड़ियां हैं नेताओं की वो नजर आएंगी, बस जिला कलेक्ट्रेट तक स्मृति ईरानी बस पहुंचने ही वाली हैं, ऐसा लग रहा है फिलहाल देखकर। देखिए, अगर आप स्मृति ईरानी की बात करेंगे तो अमेठी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगी वो। स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को करीब 50,000 वोटों से हराया था। अब 2024 के चुनाव में क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प है। राहुल गांधी की चर्चा चल रही है, राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम अमेरिका से आए हैं। क्यों आई थी? हम आए हैं रैली में। रैली में? हाँ। ये स्मृति ईरानी अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, इतनी खुशी के साथ बता रही हैं? मुझे बहुत खुशी है। क्यों 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 खुशी है? अरे खुशी है दीदी, है सबकी, हम लोगों के बीच में रहती है इसलिए दीदी के आने के खुशी, हर चीज समझती है, हम लोग का हर चीज समझती है, इसके लिए। क्या किया दीदी ने आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किया, हमारे गांव का सड़क नहीं बना था, सड़क भी बन गई। अच्छा। हाँ, अभी हम लोग के मडेरिका गांव में गई थी, नहीं बनी थी और हम लोग बोले थे कि मतलब बनवाने के लिए, तो दीदी बनवा दी। आपके गांव में भी ऐसे ही हुआ है? हाँ, हो गया है। मडेरिका में माहौल है फिलहाल? अच्छा माहौल है। देखिए, माहौल जो है वो फिलहाल स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पर बातचीत होती भी नजर आ रही है, महिलाएं हैं वो भी आई हुई हैं, और रोड शो अब तकरीबन खत्म होने जा रहा है। अब धीरे धीरे करके जो सड़क की भीड़ है वो छट गई है, लेकिन फिर भी जो भगवा गमछा है वो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भगवा गमछा कर पहनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, आपको और दिखाएंगे कि आज राहुल के गढ़ में, गांधी परिवार के गढ़ में भगवा कैसे छाया हुआ है, और यही तस्वीरें हैं जो बीजेपी को उत्साहित करती हुई नजर आ रही हैं। सोचिए, कभी कोई नाम लेने वाला नहीं था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, जब से अमेठी अस्तित्व में आया, रायबरेली से अलग हुआ, तभी से गांधी परिवार का दबदबा रहा। 1977 का पहला चुनाव जरूर संजय गांधी हार गए, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत की और 1980 में चुनाव जीते, और जब तक संजय गांधी की मौत नहीं हुई तब तक वो लगातार यहाँ से सांसद रहे। अब कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहाँ से आई हैं? सवैया से आई हैं। हम सर क्यों आए यहाँ पर? अरे नहीं, हमारे प्रचार मायन है। हाँ। स्मृति ईरानी कैसी लगती हैं? पता नहीं, हम देखने में बच्ची देखने में नहीं, काम कैसा किया है उन्होंने? बढ़िया किए हैं। अच्छा, कैसा क्या आपके गांव के लिए करा ऐसा स्मृति ईरानी? अब हमारे गांव से कुछ नहीं लगे हैं, सही खम्बा सम्बा गरुआ करा कुछ नहीं लगाए हैं। कौन? और राहुल गांधी आए यहाँ तो? अभी राहुल गांधी उभे नहीं हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अब पता नहीं बच्चे, हम नहीं जानते कितना बार गए हैं। तो देखिए, स्मृति ईरानी के प्रचार में यहाँ पर महिलाएं आई हैं, उनसे जब बात कर रहे हैं तो कह रही हैं देखी नहीं है तो बता नहीं सकते हैं कि कैसी लगती हैं, लेकिन अब स्मृति ईरानी यहाँ से होकर गुजरे। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? जाहिद। अभी स्मृति ईरानी यहाँ से होकर गुजरी, बीजेपी के कार्यकर्ता आपने देखे होंगे, किसका माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी क्या है? बीजेपी का? क्यों लग रहा है? अरे भाई, जो ना भंग मनाई दिखा था यार, इनसे बात करूं। अब देखिए, कुछ ने काम किया है और कुछ यहाँ स्मृति ईरानी को देखने के लिए भी जुटे हुए थे, और अब देखिए नामांकन जो है वो थोड़ी देर में स्मृति ईरानी भरेंगी, वो तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी। फूल जो है यहाँ पर बरसाए गए हैं,